नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों का बेहद पसंदीदा रेसिपी मैगी मसाला वेज बना रही हूँ। मैगी 6 पैकेट है। मैं ऐसा मैगी बना रही हूँ जो सभी लोग बना सकते हैं, चाहे बैचलर हो या फैमिली वाले, या सभी को पसंद आएगी। अक्सर बैचलर लोग चाहते हैं कि कम समय में कुछ अच्छा बन जाए, तो याद आता है मैगी, फिर वो मैगी बनाने की तैयारी करते हैं। यह रेसिपी बेहद कम समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं मैगी बनाना। एक पतीला लेंगे, उसमें भरपूर मात्रा में पानी डालेंगे। पानी अच्छे से जब गर्म हो जाए तो उसमें 6 पैकेट मैगी को खोलकर डाल देंगे। फिर किसी चम्मच या नोकीला फोक या चाकू भी सही, उससे मैगी को अच्छे से मिला देंगे। जब मैगी बॉयल होने लगे तो उसमें मैगी मसाला मिला देंगे। जब ऊपर उफान आने लगे तो गैस का फ्लेम कम कर देंगे। जब तक मैगी अच्छे से पके नहीं, तब तक चलाते रहेंगे ताकि मैगी तले में नहीं पकड़े। मैगी जैसे ही पक जाता है, यह फूल जाता है और कलर बदल जाता है। गैस पर से मैगी को उतार लेंगे और गैस पर नॉन स्टिक या फ्राइंग पैन रखेंगे। फिर इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें चॉप किए हुए गाजर डालेंगे। गाजर ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए गाजर को पहले फ्राई करना ज़रूरी होता है। आपके घर में जो ग्रीन वेजिटेबल उपलब्ध हो डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी, बीन्स, स्वीट कॉर्न आदि। गाजर जब पक जाए तो उसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च का पीस चौरा चौरा काटे ताकि वो मैगी में दिखे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर बहुत जल्द ही घुल जाता है। यह मैगी मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इतना करने के बाद अब थोड़ी मात्रा में चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स से मैगी का स्वाद बढ़ जाता है। मैगी स्पाइसी बनाने के लिए कुछ अलग से मसाला डालेंगे, जैसे थोड़ी मात्रा में रेड चिली पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी मात्रा में हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिला लेंगे। इसके बाद थोड़ी सी गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सबको अच्छे से मिला लेंगे डालकर। सभी मसालों को अच्छे से भुनने के बाद उसमें सब्जी के अनुसार ही पानी डालेंगे, क्योंकि मैगी पहले से ही तैयार है। जब तक कि सब हल्का उफान मारने लगे, तब इसमें रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें टोमेटो केचप भरपूर मात्रा में डालेंगे तथा सभी को अच्छे से मिला लूँगी। फिर इसमें अंत में मेयोनीज डालकर अच्छे से मिला लूँगी। जब सब अच्छे से मिल जाए, इसके बाद में मैगी डालूँगी। इस तरीके से आप लोग अपने घर पर बनाएं और आनंद के साथ, बैचलर हो या फैमिली वाले, सभी बनाएं और खाएं। आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी रेसिपी के लिए बोल सकते हैं कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को इतना देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।